भूमि बनारसी सब निर गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घर होए। मतलब जो ज्ञानी होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं, जो खुद को जानता है और अवेयरनेस जिसमें होती है, उसके अंदर ही राम होते हैं और उसे किसी चीज़ का फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ बनारस यानी काशी ही पवित्र जगह नहीं होती, होल अर्थ होती है। और सिर्फ गंगा का पानी ही पवित्र नहीं होता, सारा पानी उसके लिए पवित्र होता है। सब ही भूमि बनारसी सब नीर गंगा होए, ये छोटे मन की बात है कि वो किसी खास जगह को पवित्र देखता है और किसी खास जगह को गंदा देखता है। वो हमेशा बांट के रखता है, बांटना उसका काम है। दुनिया में हमेशा वो कुछ अच्छा कुछ बुरा बनाता है, कुछ पवित्र कुछ अपवित्र बनाता है, कुछ अपना कुछ पराया बनाता है। ये छोटे मन का काम है बांटना। संत का मन बांटता नहीं है, वो फिर ये नहीं कहता कि कोई खास जगह है जिसे मंदिर मस्जिद बोलेंगे। उसके लिए हर जगह फिर पवित्र है, समझ रहे हो? वो ये नहीं कहेगा कि जब मंदिर पहुंचेंगे तभी मन में धार्मिकता उठेगी। वो जहां भी बैठा है उसको लगातार सच्चाई याद है, उसको लगातार सच्चाई याद है। देखो, आदमी का मन इतना गड़बड़ होता है ना कि वो धर्म के नाम पर भी अपनी ही सुविधा चलाता है। उदाहरण लो, तुम बोलते हो कि हर धर्म में होता है, हिंदुओं में मुसलमानों में, कि जब पूजा के लिए जाओ, जब दुआ के लिए जाओ तो साफ होकर के जाओ, गंदे होकर के जाने को ठीक नहीं मानते। तुम कबीर से पूछोगे तो कबीर हंस देंगे, कबीर कहेंगे कि वजू क्या सिर्फ नमाज के समय किया जाए और स्नान क्या सिर्फ मंदिर के लिए किया जाए। वो क्या कहेंगे, कबीर क्या कहेंगे, वजू क्या सिर्फ नमाज के लिए? हाँ, तो वो क्या कहेंगे, अगली बात क्या कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे कि बेटा हमेशा साफ रहो। यही मत कहो कि आज मंगलवार है, आज मंदिर जा रहे हैं तो आज जरा नहा लिया जाए। नहीं समझ रहे बात को? इसी तरीके से तुम कहते हो कि भाई मंदिर में हो तो मन में उल्टे सीधे ख्याल ना आए। इसका मतलब ये है कि जब मंदिर से बाहर निकलो तो फिर तो आ सकते हैं। इसीलिए कबीर फिर से हंसेंगे, वो कहेंगे तुमने क्या ये एक छोटी सी जगह बना रखी है मंदिर। मंदिर बिल्कुल बेकार जगह है, क्योंकि तुमने मंदिर बना के अपने आप को ये सुविधा दे ली है कि मंदिर के बाहर तुम जो चाहो वो करो। तुम कहते हो मंदिर भगवान का अड्डा और मंदिर से बाहर शैतान का अड्डा। अगर भगवान मंदिर में रहता है तो मंदिर के बाहर कौन रहता है भाई? अगर मस्जिद खुदा का घर है तो मस्जिद के बाहर किसका घर है? पर हमें तो ये पता था कि पूरी कायनात खुदा की है। बोलो, पर तुम एक छोटी सी मस्जिद बना देते हो और तुम कहते हो खुदा को याद करने के लिए यहाँ आना है। अगर खुदा को याद मस्जिद में करना है तो फिर तो बात सब पक्की हो गई कि मस्जिद से बाहर निकलते ही खुदा को भूल जाओगे। और
क्या बिल्कुल यही नहीं हो रहा है? क्या बिल्कुल यही नहीं हो रहा है? दो उदाहरण लो, अभी नवदुर्गा बेटी है और उससे 2 महीने पहले रमजान बीता था। तुम किसी भी हिंदू से आगे पूछो तो तुमको साफ बता देगा कि नवदुर्गा के दिनों में तो बहुत बातों का लोग ख्याल रख लेते हैं, शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते और कई दुर्गुणों से बचे रहते हैं, पर जिस दिन नवदुर्गा ख़त्म होती है उस दिन मुर्गा कंजम्पशन बिल्कुल बढ़ जाता है। जो 9 दिन किसी तरीके से अपने आप को रोक के रखा होता है, 10वें दिन आदमी टूट पड़ता है। ठीक इसी तरीके से अगर तुम जाओ और मौलवियों से बात करो तो तुमको बताएंगे कि जिस दिन रमज़ान ख़त्म होता है उसके अगले दिन से मस्जिद में भीड़ छट जाती है। एक लाइन बच जाती है। अब ये बात तो हमें कुछ समझ में नहीं आई, ये तुम्हारा कैसी धार्मिकता थी कि 30 दिन तो तुम कहते थे कि रोज़ा है और अल्लाह को याद कर रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं, और 31वें दिन क्या हो गया? ईद गई और काम से तुम्हारी दुनिया वापस, तुम्हारे ढर्रे वापस। ऐसी बातों पर कबीर हंसते हैं। कबीर कहते हैं कि हमारे रोजे तो अब देखो ना, तुम कहते हो कि गंगा पवित्र है तो आम तौर पे हिंदू गंगा में तेल वगैरह भी नहीं लगाते, साबुन शैम्पू नहीं लगाएंगे, कहते हैं इसको गंदा मत करो। अब ये अलग बात है कि सबसे गंदी नदी दुनिया की वही है, लेकिन फिर भी मान्यता यही है कि गंगा को साफ रखना चाहिए। अगर गंगा को साफ रखना चाहिए तो इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि बाकी कहाँ, बाकी जहाँ कहीं नदी मिले, पानी मिले, उसको गंदा करने का लाइसेंस है? जल्दी बोलो। पर तुमने तो यही कर दिया ना, बांट दिया दुनिया को। तो संत कौन? जिसका मन दुनिया को बांट के नहीं देखता, जो ये नहीं कहता कि इतना खुदा का राज है और बाकी शैतान का राज है। संत वो जो कहता है कि लगातार हर जगह और हर समय किसका राज है? खुदा का। और इंसान का मन क्या करता है? इंसान का मन कहता है 1 महीना खुदा का, 11 महीने हमारे, ये तो बड़ी अच्छी डील है भाई, 1 महीना आप रख लो, 11 जरा इधर दे देना, 9 दिन की नौ दुर्गा आपकी, बाकी सब जरा इधर लाइए आप, हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए, इंटरफियर मत करिएगा। देखिए आपकी नौ दुर्गा जब चल रही थी तो हमने आपके हिसाब से काम किया ना, अब बीत गई, अब यार थोड़ा माफ करो, दरवाजा उधर है, जाओ अपने मंदिर में बैठो। मंदिर काहे के लिए बनवाया है तुम्हारे लिए? मंदिर तुम्हारा, घर हमारा, तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? मंदिर के भीतर और बाहर मत निकल आना, बताए देते हैं, इज्जत करते हैं तुम्हारी, पर लिमिट में रहा करो इतना ना हम पे प्रेशर डालो किसी दिन इज्जत तोड़ दें मर्यादा कायम रहे तो ही ठीक है, बड़ों को बड़ों की तरह रहना चाहिए। ये सब डायलॉग सुने हैं कि नहीं? तो ये सब डायलॉग यहीं से तो निकल के आ रहे हैं। देखिए आप बड़े हैं, पूजनीय हैं, पर अपने कमरे में रहा करिए,
बता दीजिए क्या कैसा कमरा चाहिए, संगमरमर लगवा दें, एसी लगवा दें, पर बाहर मत निकला करिए, गेट के अंदर रहा करिए। तो आदमी ने यही करा है। बांटो नहीं, लगातार एक से रहो, लगातार एक से रहो। अब बांटने का एक तरीका ये भी है कि चार दिन कैंप के चल रहे हैं तो उसमें मन एक रखा है, और जिस दिन कैंप खत्म हो उस दिन कुछ और हो गए। ऐसे नहीं, जो असली आदमी होगा वो कहेगा कि अब अगर मन साफ हुआ है तो लगातार साफ रहे। ऐसा नहीं है कि जब तक रीडिंग कर रहे हैं तब तक एक मन है, और जब रीडिंग नहीं कर रहे तो बताना भाई आजकल इंटरनेट पे गर्म क्या है, चार दिन मिस कर दिया। कहिए हो तो याद आ गया होगा, गए कबीर खत्म। कहाँ के कबीर, वाईफाई संत में और आम आदमी में यही अंतर है। आम आदमी भगवान को याद करता है साल में चार दिन, और संत को सिर्फ भगवान ही याद रहते हैं 365 दिन। बात समझ रहे हो? आम आदमी के लिए मंदिर होता है छोटा सा, और संत के लिए मंदिर है एक एक इंच जमीन। बात आ रही समझ बेटा? आम आदमी के लिए प्रार्थना करने के समय नियत होते हैं, वो तो कहेगा ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करनी है या पांच दफे नमाज करनी है, और संत प्रार्थना कर रहा होता है उसकी प्रार्थना रुकती ही नहीं। वो बाहर बाहर कुछ भी कर रहा हो अंदर से प्रार्थना कर रहा होता है। वो दिन को बांटता नहीं है कि इतना समय प्रार्थना का और बाकी समय शैतान का है। वो बाहर बाहर कुछ भी कर रहा हो भीतर से उसके दुआ ही चल रही होती है। बाहर से खा रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, मजे भी कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, पर भीतर से सजदा है। करते रहो बाहर जो भी करना है, भीतर सर लगातार झुका हुआ है। भीतर से सच्चाई हमेशा याद रहे, वो न भूले। बाकी बाहर के काम तो चलते रहेंगे, रोज सोओगे, रोज उठोगे, खाना बनाओगे, हंसोगे, बोलोगे, चलोगे। भीतर भीतर लेकिन सफाई लगातार बनी रहे। समझ में आ रही है बात? संत का ये मतलब नहीं है कि जो हर समय भजन गा रहा हो, पागल मत बन जाना। बाहर से तुम्हें जो करना है करो, कोई पाबंदी नहीं है कि हर समय बैठ करके तुमको राम नाम लेना है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। संत माने वो जो हर समय सच्चाई पर कायम है, वो संत है। कबीर कहते हैं एक जगह पे कि माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम। वो कहते हैं बाहर से तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, करता ही नहीं हूं, न मैं माला फेरता हूं, न जप करता हूं, न मुंह से राम बोलता हूं, मुझे नहीं करना। बाहर से कुछ क्यों नहीं करना मुझे? क्योंकि
क्योंकि अंदर से तो लगातार याद ही है ना, अब बाहर से क्या प्रदर्शन करना है, जो दिल में बैठा हुआ है उसको जबान पे क्या लाना। बात समझ में आ रही है? तुम असल में डर जाते हो जब भी, जैसे किसी ने बोला था ना कि घर वालों ने गीता पढ़ते देख लिया तो परेशान हो गए, वो इसीलिए, क्योंकि दुनिया के मन में संत की इमेज ये बनी हुई है कि संत माने वो जो अब कुछ किसी काम का नहीं रहा और बैठ करके भजन गा रहा है, ससुरा किताब पढ़ता है, एक पैसे का काम नहीं कर सकता, उसको बोल दो पानी पिला दो पानी नहीं पिलाएगा, वो तो कहेगा अभी तो हम खुदा का नाम ले रहे हैं, कोई मर रहा होगा उसको सहारा नहीं देगा, कहेगा नहीं नहीं अभी तो हमारा पूजा का समय है। संत ऐसा नहीं होता, संत वो होता है जो बाहर कुछ भी करे, तुम बाहर से इंजीनियर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, स्पोर्ट्समैन हो सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो, तुम बाहर से कुछ भी हो सकते हो, भीतर से लगातार सच्चे बने रहो। सच्चे बने रहने का क्या मतलब है? कि आंख ऐसी हो जो झूठ को झूठ और सच को सच देख पाए, बहकावे में ना आ जाओ। और सबसे बड़ा बहकावा किसी बाहर वाले का नहीं, अपने ही मन का होता है। तो ये मत समझ लेना कि जो एक खास तरीके के कपड़े पहने वही संत है, जो माला हाथ में लिए हो वही संत है, जो दाढ़ी बढ़ाए हो वही संत है। संत हो सकता है सूट पैंट टाई में घूमता हो, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता हो, किसी बड़े ऑफिस में पाया जाए, वो भी संत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी तुम सब यहाँ बैठे हो, ध्यान से सुन रहे हो, सच्चे मन से अगर सुन रहे हो तो तुम संत ही तो हो, भले तुमने स्पोर्ट शूज पहन रखे हो, भले हम ये डिस्कशन अंग्रेजी में कर लें, पर अभी सब सच्चे मन से साफ बैठ के सुन रहे हो तो सब संत हो, और जब तक सच्चाई के साथ हो उस मोमेंट तक संत हो, और जैसे ही सच्चाई छूटेगी फिर शैतान बन जाओगे। शैतान आ गई है, नींद भी शैतान की बड़ी सहेली है, ये तुम पर ठीक तब आक्रमण करती है जब इसे आक्रमण नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हें बताऊं, मुझे बड़ी देर से प्यास लग रही है, तुमने नींद कहा तो मुझे याद आया, और मुझे पता है कि पानी की मुझे कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों रोकूं अपना बोलना, इतना थोड़ी ही प्यासा हूँ कि बेहोश हो जाऊँगा। नहीं समझ रहे बात को? शरीर का तो काम है बकलोली करना, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी वो खड़ा हो जाएगा, क्या बोल रहे थे तुम, उसे रोंगटा। कब तक सुनोगे तुम इसकी शरीर की, कितनी सुनोगे बोलो, कोई भी काम करने निकलोगे ये परेशान ही करेगा तुम्हें, सुबह उठना है, फावड़ा उठाना है, पेड़ की तरफ जाना है, क्यों कितनी सुने इसकी ससुरे की, और एक बार सुन ले फिर शांत हो जाए ऐसा भी नहीं है, इसकी जितनी ज्यादा सुनो ये उतना ज्यादा सर चढ़ता है, मानते हो कि नहीं? जितना इसको तुम आराम परस्त बनाओगे उतना ही ये होता जाएगा, और टायर पे टायर, फिर
कहता है डनलप की फैक्ट्री बन गए हैं। फिएट टायर, इसमें गैंडा आता है ना, दौड़ रहा होता है, इसका मतलब समझो गैंडे का। मूल बात क्या निकल के आई, हर समय हर जगह क्या पहली बात तो जगह का बंटवारा मत करना, कभी मत कहना कि अभी तो कॉलेज में है, ये सब बातें तो घर की हैं, जगह मत बांटना। और दूसरा समय मत बांटना, ये मत कहना कि अभी तो इंटरव्यू दे रहे हैं यार, ये कोई संताई का टाइम है, बाद में करेंगे, अभी तो लड़की के साथ है यार, अभी तो शैतान हो लेने दो, संताई लौट के करेंगे ब्रेकअप के बाद। और जैसे हम है वैसा ब्रेकअप तो हो गई तो उसके बाद संताई कर लेंगे। ऐसे हर समय हर जगह याद रखोगे, हर समय हर जगह, कोई शर्त नहीं बांधनी है, कोई बंटवारा नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप कोई छूट नहीं देनी है कि जरा दो घंटे बदमाशी कर लें उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे, ना, हर समय और हर जगह। सत्य और ईमानदारी, ईमानदारी लगातार बनी रहनी चाहिए, लगातार। देखो ईमानदार सब होते हैं, पर टुकड़ा टुकड़ा ईमानदार होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पूरा बेईमान हो। तुम पूरा बेईमान आदमी खोजने निकलोगे तो मिलेगा नहीं, सब ईमानदार होते हैं पर उनकी ईमानदारी बटी हुई होती है। संत कौन है, योगी कौन है, जिसकी ईमानदारी अब कॉन्टिन्यूअस है, बटी हुई नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। ये आह क्यों निकल रही है? संत की ईमानदारी कॉन्टिन्यूअस है और संसारी की आह। अब देखो खेल क्या चल रहा है, देखना खेल समझना। मैं सुबह आया, तुम्हें इस बात पे बड़ा नाज था कि तुम 3 घंटा सो के उठ गए, तो पहला तुमने मजा इस बात का लूटा कि तुम प्राउड फील कर पाए कि तुम कम सोए, तो तुम वसूली कर चुके हो। सुबह तुम गर्व में थे कि तुम कम सोए, तो रात के कम सोने की वसूली तो तुमने कर ली ना, खूब बताया तुमने, देखो हम कम सोते हैं तब भी हमें कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद तुम दिन में सो लिए, एक वसूली तुमने सुबह सुबह करी ये बता बता के कि हम कम सोए हैं, दूसरी वसूली तुमने दिन में करी ये कह के कि कम सोए हैं तो अब हमें जरा सो लेना चाहिए, तीसरी वसूली तुम अब करना चाहते हो कि 3 रात से सोए नहीं है। मन ऐसा दुकानदार है कि 1 रुपया देता है और 3 रुपया वसूल रहा है। तुम मेरे सामने 3 बार वसूल चुके हो, पहले तो सुबह सुबह तुमने इस बात के बताने के मजे लिए कि देखिए सर पहले ऐसा होता था ना कि 10 बजे सो जाते थे तब भी हमें 10 घंटे नींद चाहिए होती थी, 4 लोगों ने बोला मुझसे, अब ये कि हम 2 बजे सोए थे 5 बजे उठ गए हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात। उसके बाद पता चल रहा है कि सब मालिक लोग यहाँ 11 बजे पसर गए थे और 4 बजे उठे हैं, तो दिन में सब कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे कोई 5 घंटे सोया है, ठीक। और तीसरी वसूली अब होने जा रही है कि 3 रात से सोए नहीं है तो अब लाइसेंस है ना थोड़ा ज्यादा सो, तो दिन में कौन सो रहा था, और अगर सोना ही था
तो सुबह इतना सीना चौड़ा करके काहे को बोल रहे थे कि हमने कैंप में बहुत सीख लिया, अब हमें नींद नहीं आती? कितनी बार वसूल हो गए? अब ये धोखेबाजी है, संत ही धोखेबाजी नहीं करता। ईमानदारी का मतलब होता है एक बार वसूल लिया ना, वसूल लिया। वो कह रहा है ये आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नींद तो आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं पेड़ की तरफ कब चलेंगे। असली एडवेंचर वहां है, हमें पांव चलाना है, आप जबान चला रहे हैं। हम थोड़ा अभी बिजी हैं, ऐसा करो अकेले हो। एडवेंचर नहीं होगा ना, सुसाइड होगा। सर्टिफिकेट ही मिलेगा यहाँ से, कंफर्म एक तो मिलेगा ही हमें। बेटा एक बात बताएं तुम्हें, अगर इस समय तुम वहाँ अकेले हो आओ तो तुम्हें जो मिलेगा वो इतनी कीमती चीज होगी कि जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। मौत आएगी या नहीं आएगी, सुनो, मौत आएगी या नहीं आएगी वो हम नहीं जानते, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी ये पक्का है। अगर ये तुम कर पाओ, ये हजार आदमियों में से किसी एक के बस की बात है, इस वक्त चला जाए और वो कर पाए जो मैं कह रहा हूँ। पर अगर कर दिया तुमने, तो तुम तुमने इस कैंप से फिर वो पाया होगा जो और किसी को भी नहीं मिला होगा। तुम करोगे नहीं मुझे पता है, पर अगर कर पाओ तो किस्मत वाले हो। कोई नहीं कर पाएगा। अरे बाकियों से क्या मतलब है, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है ना।